तो आज जब मैं जा रहा था तभी मुझे ये दिखाई दिया, एक पक्षी का पंख, जिसे उठा के मैं घर ले आया। मैं इसे देख ही रहा था कि तभी मुझे आइडिया आया कि चलो इसका क्विल पेन बनाते हैं, जिसे राजा महाराजा पुराने टाइम पे यूज किया करते थे। तो सबसे पहले हमने इस पंख को साफ किया और फिर इसके अगले वाले हिस्से को काट दिया, जो कि बहुत हार्ड था। फिर इसकी अच्छी तरह से सफाई करने के बाद इसके अगले वाले हिस्से को पेन के निब की तरह पतला कर लिया। हाँ, तो तैयार है हमारा क्विल पेन, जो कि देखने में कुछ इस तरह का दिख रहा है। हाँ, अब जरूरत थी हमें इंक की, जो कि हमने इस पेन से निकाल ली। तो अब टाइम है इसे चेक करने का कि ये सच में वर्क करता है कि नहीं। अब इस पेन की निब को इंक में डुबोने के बाद तो लिखने पर हमें पता चला कि ये काम तो करता है, लेकिन इस पेन से अच्छी तरह से लिखने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।